हमारी तरफ से ये बहुत ही छोटा सा एक पहल है हमारे लिए. टाइम हम लोग निकाल के आए हैं यहाँ पर जस्ट टू मेक श्योर कि हम जो कर सकते हैं वो करें. इतने सारे बड़े डिज़ाइनर्स, इतनी सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ साथ में आई हैं, तो आई एम श्योर कि जब इतने सारे लोग मिलके एक आवाज़ उठाएंगे तो उससे फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा. आपको नहीं लगता कि हम कितने भी एजुकेट हो जाएं लेकिन वो चीज़ मतलब बदल नहीं रही है, जो भी है आज वही परिस्थितियाँ जो आज से 50 साल पहले थी? देखिए, हमारे लिए ये कहना कि परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए ये कहना कि परिस्थितियाँ नहीं बदल रही है बहुत आसान है, लेकिन जो लोग हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये पहल करते हैं, ये एक स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, आप उनसे पूछिए, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हर रोज़ वो कैसे लोगों की ज़िंदगी में अपनी तरफ से एक योगदान कर रहे हैं. सो हमारे लिए ये कहना कि थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, I don't think that's right. You know, talking about Bollywood, which actor's smile do you find the most charming? So many. Wow. I think nobody can beat Madhubala ji's smile. What a fantastic smile she had. And then obviously Madhuri Dixit ji, beautiful, beautiful smile. And from among the actors, the male actors? The male actors. I think Ranbir Kapoor has a very, very sincere smile. I really like his smile. And from the TV industry? From the TV industry, I've been complimented a lot for my smile, and I don't know why. It's a gummy smile. But having said that, I quite like my co-actor Ravi Dubey's smile. I think he has a very, very sweet smile. Thank you. Thank एंडी बैठ कर ले. पंजाबी स्टाइल. वाह. और हो गया. वाओ. यहाँ पे लूट. वाह. यहाँ पे. थैंक यू. बिल्कुल ठीक हूँ. फर्स्ट क्लास हूँ. वधिया वधिया जी वधिया. बल्ले बल्ले हो गई. अंदर का कैसा एनवायरनमेंट है? अंदर का एनवायरनमेंट बहुत गर्म है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बुलंद है, क्योंकि हमारा आज का फैशन स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है. कुछ बताइए कैसे है, क्या है, क्या है आपका फैशन स्टेटमेंट? माय फैशन स्टेटमेंट इज द कलेक्शन नेम इज भूमि. That is directly connected to the womb of mother's womb, because today is a charity we are doing for the children, so it's directly connected to, related to that. Yeah. So Andy will say how was the collection. Andy, you have to say. Sing is bling आने वाली. Sing is king आ चुकी है. आज Andy Singh भी आ गया. एंडी सिंह के बिना सिंग इज किंग नहीं होगा. यो यो एंडी सिंह. AIBU का रिएक्शन ये है कि भाई देखो, अगर आप लोगों ने बहुत सारी रोस्टिंग की टेक्निक्स सीखनी है तो मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ ना क्या करना है. ये सब हर बार पे सिर्फ यू नो लव्ज यूज करने की फायदा ही नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि आप किसी का ना स्टैंड अप कर सकते हो बिना गाली दिए, ये मेरा मानना है. देखो YouTube मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है. मैं भी YouTube चैनल बना रहा हूँ, आप जाके देखिए. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मतलब बच्चों के मतलब सेहत के लिए हानिकारक हो. देखो करण जौहर ने जो भी किया है वो एडल्ट एंटरटेनमेंट है, वो एडल्ट्स के लिए है, वो बच्चों के लिए नहीं है. मैं कह रहा हूँ कि जो जो वो है, मैं इनफैक्ट जो जो काफी जोक्स है जो मुझे पसंद आए, पर काफी चीजें मुझे नहीं पसंद आई. अगर आपको नहीं पसंद ना देखें, अगर आपको पसंद है देखते रहिए. जो मुझे पसंद आया वो ना, क्योंकि ये भी बच्चों के लिए है तो मैं वो यहाँ पे बोल नहीं सकता, तो बोलती बंद ही रखता हूँ. देखो सेव द गर्ल चैट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया में, खास करके क्योंकि बहुत सारे ऐसी चैरिटीज हैं जो मतलब ये चीज़ हाईलाइट कर रही हैं. आज स्माइल फाउंडेशन भी हमारे लिए ये हाईलाइट कर रहा है, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
हमारी माँ भी एक गर्ल चाइल्ड थी. अगर हर एक आदमी ये सोचेगा कि ये जो लड़की है ये कभी किसी की माँ बनेगी, किसी की बहन है, या और ये हमारे रिश्ते में हमारी भी बहन लगती है, तो शायद आगे जाके बहुत सारा कुछ अच्छा हो सकता है. एंड आई थिंक लड़कियों के बिना आदमी अधूरे हैं, तो लड़कियाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं है, लड़कियाँ एक हिस्सा और इतिहास बनाने आई हैं, और वो भी बनाना चाहिए. आई थिंक आई शुड जॉइन गवर्नमेंट. अरे तबाही मच गई, तबाही. आए हाय हाय टीना, ये देखो, ये है गर्ल चाइल्ड. देखो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं. ये देखो, ये इतनी इतनी खूबसूरत है. देखो टीना सिर्फ यहाँ पे एक लड़की नहीं है, यहाँ पे अमेजिंग लेडी, पर यहाँ पे इतनी खूबसूरत लेडियाँ हैं. देखो देखो इतनी सारी हैं. एजुकेशन एंड यर वी ऑल आर टुगेदर, ताकि हम कुछ जरूरतमंद बच्चों को एजुकेट कर सके. जिससे कि जी एंडी इज ऑलवेज 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 रॉकिंग. यू गुड एंडी के बारे में बोलने की जरूरत है, बिकॉज़ आप सब जानते हैं एंडी इज सो रॉकिंग. सो मैं कुछ बोलूं डजंट मैटर, बिकॉज़ ही इज गुड. अच्छा आजकल जो चला है ट्रेंड की दाढ़ी, हर एक्टर दाढ़ी रख रहा है. हां शाहरुख खान हो चाहे सलमान हो चाहे एंडी भी रख लिए, तो क्या स्क्रीन 7 का जमाना एकदम जा रहा है? नहीं ऐसे कुछ नहीं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड. अगर कोई चीज इज इन ट्रेंड तो कूल लगता है. व्हाटएवर ही डज ही इज अ स्टाइल आइकन इन सेल्फ, सो हर एक चीज में वो अच्छा लगता है. इसके मुंह में डाइट बिस्किट. लड़की घी शक्कर नहीं खाती. मैं आपको पता क्या बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज है. देखो मैं स्टाइलिश हूँ या नहीं हूँ, यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ ना, कोई भी पागल हो सकता है. वो भी मतलब इतनी नजदीक इतनी खूबसूरत लड़की देखना भी बहुत मतलब मुश्किल चीज है, क्योंकि ऐसे पता है असली नहीं. देखो ये असली कैसे नहीं हो ही नहीं सकता. ये फरिश्ता नहीं, ये क्या है, ये ड्रीम है, ड्रीम ड्रीम गर्ल. On the seventh sky, I'm flying. It's an honor. She's a living legend. Yeah, it's an honor. और टीना भी हमारी legendary है. इसकी actors, ये जैसी acting करती है, वो भी बहुत legendary है, I think. Thank you so much. बहुत time बचा हुआ उनके लिए, इतनी जल्दी legend मत बना दी. Thank you so much. Thank you. टैलेंटेड लोग मेरे मुझसे पहले यहाँ पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का. ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका. और